है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से विदेशों में डंका बज रहा है, विदेश में बजवा रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं बजवा रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में भी कीजिए ना, गरीब के प्रति कीजिए ना। आपने जो है वंदे भारत चलवा दिया, गरीबों के लिए क्या चलवाया, एक लोकल ट्रेन से भी आप बढ़ा करके दिखाए कि हाँ थोड़ा ये गरीब के लिए चलवा रहा हूँ, थोड़ा ये सस्ता ट्रेन है। अभी रेपिडो ट्रेन का सारा ये दलाल फेल है। महामिलावट जिसे मोदी जी ने बहुत पहले कहा था कि ये सब महामिलावट है, वाकई में सब महामिलावट है। इनके मिलावट में ये कहीं नज़र आ रहा है कि सारे लोग देश को गरीब को लूट के खा जाएंगे। इनका लग 2024 का चुनाव आने वाला है, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा तो विपक्ष वाले बहुत लोग बनना चाह रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से अभी है नहीं। लेकिन अब मोदी जी के भी राज में महंगाई ज़्यादा हो चुका है, गरीब के प्रति कोई काम नहीं हो रहा है, केवल जो है किसे बस अमीरों के प्रति ही काम कर रही है। ठीक है, गरीबों को भी तो राशन दे रहे हैं। राशन तो पहले से ही मिलता है, आप नया चलाए हैं, वो पहले था कि सिर्फ एक दो रुपया भी मिलता था, उसी को थोड़ा सा एक दो रुपया कम कर दिए तो मतलब मिलता है बस फ्री में, और क्या। किसान सम्मान निधि भी दे रहे, कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को तो, आज तक मिला नहीं, एक मकान तक तो मिला नहीं, आज भी हमारा मिट्टी का घर है आज, ऐसे तो आज तक जो है हमें कुछ भी नहीं मिला। और उज्ज्वला के तहत सिलेंडर भी दे रही है सर, हमें भी नहीं मिला, किसको मिलता है हमें तो पता ही नहीं है सर। सब जो है अफवाह में ही केवल उड़ता है इनका, ऊपर भी ऊपर हवा में ही है सारा चीज, बाकी कहीं जमीनी तौर पे कहीं नहीं सर, बस ऐसा ही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से विदेशों में डंका बज रहा है, विदेश में बजवा रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं बजवा रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में भी कीजिए ना, गरीब के प्रति कीजिए ना। आपने जो है वंदे भारत चलवा दिया, गरीबों के लिए क्या चलवाया, एक लोकल ट्रेन से भी आप बढ़ा करके दिखाए कि हाँ थोड़ा ये गरीब के लिए चलवा रहा हूँ, थोड़ा ये सस्ता ट्रेन है। अभी रेपिडो ट्रेन चली है, रेपिडो से हमें क्या फ़ायदा है सर, वो अमीरों का फायदा है, गरीबों का फायदा नहीं है। गरीबों का फायदा नहीं, गरीब के लिए प्रति कोई काम नहीं है। लेकिन ये कहे थे कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, क्या नहीं बैठ रहे क्या? वो तो देखिए हवाई चप्पल वाला ही जानता है किसे हवाई जहाज में उड़ेंगे या जमीन पे ही चलेंगे, वो गरीब ही जानता है बस, अमीर नहीं, अमीर के प्रति नहीं जा पाएगा ना वो। क्या करते हैं, कुछ नहीं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस केवल उसका जो काम है ना, बस केवल ही ऊपर ऊपर ही घूम रहा है, बस नीचे जमीनों पे नहीं है सर। कह रहे हैं कि ये गरीबों की सरकार है, कौन कह रहा है गरीब की सरकार है? मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी कहते हैं दीजिए, वो तो हमेशा ऐसी भाषण टीवी पे आते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, टीवी पे ही रहते हैं वो, बस जनता के प्रति नहीं है उनको भाषण, टीवी पे ही दिखाए थे वो, मीडिया वालों को उसको सबको दिखाते रहते हैं बस, हम ये है वो है, बाकी काम तो गरीबों के प्रति कुछ भी नहीं है, नौकरी तो बिल्कुल चली ही गई लोगों से हाथ से बस। लेकिन हर साल 2 करोड़ रोजगार तो सर बस, कौन था मोदी 100% आनी चाहिए, इसलिए उनके राज्य में सिर्फ एक ही कमी है, अगर युवाओं को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बाकी सरकार में कोई कमी नहीं है। तो 2 करोड़ हर साल रोजगार तो दे रहे हैं, 2 करोड़ कहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कह तो रहे हैं, लेकिन युवाओं को सामने जो है अभी तक इस तरीके के कोई वो लक्ष्य सुनाई सुनने को और ना देखने को नहीं मिल रहा है। और सरकार में और जितने बाकी अन्य अगर सरकार आती है जो इकट्ठा करके जो लोग चाहते हैं कि हम अपनी सरकार बना लें, ये जितने लोग आएंगे ये पूरी तरीके से भारत को खोखला करके रख देंगे, ये 100% सच्चाई में बोल रहा हूँ। युवाओं को नौकरी दे दें, सरकार में कोई कमी नहीं है, एक पैसे की कमी नहीं, जहाँ देखो तहाँ हर लोग बीजेपी के कह रहे हैं, बस उनका यही लक्ष्य है युवाओं को, जो नए नए लड़के हैं जो आजकल पढ़ लिखे जो भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है उनको रोजी रोटी मिल जाए, बाकी सरकार में कोई कमी नहीं है। मतलब बीजेपी आएगी ये 2627 दल सब फेल है, सारा का सारा ये दलाल फेल है। महामिलावट जिसे मोदी जी ने बहुत पहले कहा था कि ये सब महामिलावट है, वाकई में सब महामिलावट है, इनके मिलावट में ये कहीं नज़र आ रहा है कि सारे लोग देश को गरीब को लूट के खा जाएंगे। इनका लक्ष्य क्या है, आज तक 370 नहीं हटा पाए, इतने साल कांग्रेस रही, आखिर इसे नहीं हटाने का कारण क्या है? हाँ, जितनी 70 साल से सरकार जब तक चली है कांग्रेस की, तब तक पाकिस्तान वाले राज किए हैं, पैसे की उनकी कोई कमी नहीं थी, आज पाकिस्तान में भूखी मरी आ रही है क्योंकि भाजपा की सरकार आई है। ये सरकार सही भी है और थोड़ा सा गलत भी है।
गलत वही है कि भाजपा की सरकार में युवाओं को थोड़ा नौकरी मिल जाए, सब जितने लोग घूम रहे हैं फिर रहे हैं इनको। मेन मुद्दा तो वही है, आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो कुछ आप कर ही नहीं पाएंगे, तो सही क्या है, सही जो है वही बताइए। सही यही है, भाजपा हमारी सही है। किस दिशा में सही है, अन्यथा कोई भी काम में सही है, बस उनका एक ही लक्ष्य। जैसे कोई एक आध काम बताइए जो सही आपको लगा। अब किस तरीके से कहा जाए, मान जी घर घर शौचालय बनवाया, उन्हीं का देन है लोगों को। हाँ, उसमें मान लीजिए कि हर चीज वो, और एक शौचालय हो गया, दूसरा और शौचालय हो गया लोगों को, मतलब एक तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हर महीने 6 महीने पे एक जनता दरबार लगती है, योगी जी कितना बढ़िया सबकी सरकार सुनते हैं, हैं? और उनके सरकार में भी अगर रोजी रोटी युवाओं को मिल जाए तो कोई कमी नहीं है भाजपा में। मतलब रोजगार के क्षेत्र में सरकार कम ध्यान दे रहे हैं, बस 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 उसी के तरफ, रोजगार के तरफ ध्यान दे दे तो सब कुछ सही है। 2024 भी ठरक के आएगी।